बड़ी खबर जिला श्योपुर की तहसील कराहल के ग्राम ससईपुरा से है, जहां पर एनआरएलएम भ्रष्टाचार मामले में समूह की महिलाओं के द्वारा कर्मचारी सोनिया परिहार पर आरोप लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत ससईपुर में पुरा में जो कि रामदेवी समूह की अध्यक्ष थी, गुलाबो आदिवासी ने एनआरएलएम कर्मचारी सोनिया परिहार पर धोखे से चेक साइन करवाने के आरोप लगाए हैं। गुलाबो आदिवासी का कहना है कि मुझे और मेरी समूह की महिलाओं को गुमराह करके छत सेटरिंग के नाम पर 2 बार 3 लाख रुपए का चेक साइन करवाया है, लेकिन मुझे और मेरी समूह की महिलाओं को आज तक उस पैसे का पता नहीं चला है। हमारा पैसा आया है या फिर जब मुझे इस बात का पता चला तो हमने उस समय से नाम वापस लिए थे, लेकिन आज भी हमारे नाम पर वो राशि कर्ज के रूप में लिखी हुई है। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डीबाई आदिवासी के द्वारा एनआरएलएम का खुलासा करते हुए बताया कि इसी प्रकार एनआरएलएम के कारनामे की जांच की जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी। बताया कि प्रधानमंत्री की सभा में एनआरएलएम के आला अधिकारियों के द्वारा झूठी कहानी रची गई थी और समूह से जुड़ने के फायदे बताए गए थे, लेकिन इसमें गरीब आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है। पैसा निकाल लिया जाता था, ऐसी स्थिति कई बार इनके साथ किया, इन्हें पता नहीं था और इनको योजना का लाभ भी नहीं मिला है, जैसा कि इनका महिलाओं का कहना है। अध्यक्ष गुलाबबाई थी, गुलाबबाई पे रजिस्टर मास्टर रहते थे, सारी चीज रहती थी, उसमें से सामान के लिए चेक कटाया उसको उन पे, और सामान लाएंगे कुर्सी टेबल भी लाएं और साड़ी भी लाएं, तो साड़ी इनका दो पाँच साड़ी बांट गई और पूरी साड़ी रखी थी आदि एक हमारी रामबती आदिवासी के घर पर, रामबती के घर में सियान के और जी कहा था कि हमें साड़ी वापस चाहिए, साड़ी ने वापस ले गई और वो सामान था हमारे गांव में, पता नहीं कहाँ पर वो पर्स वगैरह पूरी चीज थी, तो पंचायत में रख दो, पंचायत में थी सामान का अभी तक पता नहीं है, मतलब और जैसा कि महिलाओं को भी योजना का कोई लाभ नहीं मिला अभी तक, पैसा भी निकला था जैसा इनका कहना था, 1.5 लाख रुपए निकला, इतना पैसा निकला, पर्ची साइन कराए थे, तो उसका भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। मैं बताऊंगा आपको, आप भी देखे जाओगे बैंक में जाओगे ना तो जी आदिवासी महिलाओं पर कर्जा निकलेगा, उसके अलावा आरएलएम की जो संस्था चल रही है ना जो बिल्कुल गलत चल रही है, और जो सुनीता बाई बोली हैं तो बिल्कुल झूठ बोली हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जे मैं अपने गांव में रहती हूं, मैं देख भी रही हूं, जो कहीं हमारे आदिवासी महिलाओं के लिए कोई लाभ नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गुलाब। गुलाब, समूह का नाम क्या है आपके? का रामदेव। भी आपको समूह में कौन हो आप? अध्यक्ष। क्या मामला है आपके समूह का, क्या क्या घटना हुई थी फर्जी की आप बोल रहे हो? कुछ चेक भरवा ली थी मैं जाती मीटिंग में। मीटिंग में आपसे चेक भरवा लेती थी? मीटिंग में जाती, कितने का चेक भरवा लेती थी आपसे? 40 को 50 को 1.5 को, 2 बार तो 1.5 लाख के भरवा, 2 बार 1.5 लाख रुपए के भरवाए आपसे? कुछ नहीं दबाऊ, छत सेटरिंग के नाम से कितने का भरवाया आपसे चेक? 1.5 लाख। और क्या बोला आपसे उसने? तुम्हारे गांव को दिलाऊंगी मैं छत और सेटरिंग। फिर उसके बाद फिर काय के लिए भरवाया उसने? कितनी बार भरवाया चेक आपसे? कितने कितने का भरवाया था? 1.5 लाख। और तो वो सामान किधर गया पूरा? पता नहीं क्या सर किधर गया। और वो पैसा किधर गया, वो जो 1.5 लाख रुपए था वो चेक भरवाया था आपसे? पर आपने साइन किए थे उसमें? हाँ, बैंक में। और पैसे उसने ले लिए पूरे? पता नहीं है भाई, ले लिए। और आपके समूह को कोई लाभ मिला किस पैसे का, किसी का आपने कुछ लिया? फिर आपके समूह को मतलब कुछ नहीं मिला, पूरा पैसा उसी ने ले लिया? मतलब कौन कौन थे, किस किस ने लिया था पूरा पैसा आपसे? कितने लोग थे, मतलब किस किस ने साइन करवाया था आपसे? जी कौन करवाता था आपसे साइन? ये सोनिया रोज, मतलब जब भी जरूरत पड़ती है आप साइन करवाती थी? और पैसे आपको नहीं देती थी, पैसे खुद रख लेती थी? नहीं देती भाई साहब।